सो हेलो everyone अनन्ना अग्रवाल दे साइड करंटली अ फर्स्ट ईयर एम बी बी एस स्टूडेंट एट वी एम एम सी सबवर्जन न्यू डेली एंड आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ इसने मुझे मेरे नीट के दिन लाइक like, मेरे मिनिमम तीस नंबर बचाए होंगे तीस नंबर मानो मैं सात सौ दस आए थे तो अगर ये स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं होती तो मेरे लाइक सिक्स एटी अराउंड होते एंड मेरे पर रैंक भी इतनी हाई गई हैं तो लाइक like, बहुत चांसेस है कि मेरे को डेली में कॉलेज नहीं मिलता मेरे पसंद का सो so, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर टेस्ट अटैम्प्टिंग स्ट्रैटी कैसे होनी चाहिए तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं कि मैं किस ऑर्डर में अपना पेपर अटैम्प्ट करती थी एंड वो था बायो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड ये मैंने ऑर्डर इसलिए रखा था ऐसे बिकॉज फिजिक्स में आई थाट कि काफ़ी शांति से करने वाले क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए है ना थोड़ी कैलकुलेशन होती है थोड़ा कंसेप्ट लगाना होता है तो उसके लिए मेरे को शांत मन चाहिए और शांत मन मेरा होगा एंड में कुछ लोगों के लिए वो स्टार्टिंग में होता है कि स्टार्टिंग में वो सबसे ज़्यादा काम होते हैं उनका दिमाग अपनी हाइस्ट एफिशिएंसी पे होता है तो वो फिजिक्स करना प्रेफर करते हैं तो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करिए एंड आपके पास काफ़ी टाइम है ये लाइक like, डिसाइड करने का बिकॉज एज आई टोल्ड यू आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं अभी ये है, जो टू एंड अ हाफ मंथ्स अप्रोक्सीमेटली आपके पास बचे हैं तो तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो एंड एक डिसाइड कर लेना फिक्स कर लेना कि मेरी ये स्ट्रैटेजी यही है क्योंकि नीट के दिन हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे है ना लाइक like नीट के एक महीने पहले तक तुम्हारा डिसाइडेड होना चाहिए कि लाइक like मैं इस ऑर्डर में करूंगा अप्रोक्स और तुम्हारा एक महीने पहले तक अप्रोक्सीमेटली टाइम भी सेट हो जाना चाहिए कि इतने टाइम तक खत्म हो रहा है मेरा टाइम से ठीक है तो ये था ऑर्डर के बारे में अब आगे चलते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है तो मैं पर्सनली ऑलमोस्ट थ्री राउंडस में करती थी पेपर जो कि तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे जो मेरा फर्स्ट राउंड था वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स से लेकर दो घंटे के बीच में हो जाए अब फर्स्ट राउंड में करना क्या है फर्स्ट राउंड का पर्पज है कि तुम एक बार सारे क्वेश्चन देख लो आते हुए क्वेश्चन तुम कर लो तो तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर तुम स्टार्टिंग में ही ले आओ और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जैसे कि अगर सेवन ट्वेंटी मार्क्स का पेपर है तो सपोज फर्स्ट राउंड में तुमने सिक्स हंड्रेड तक का अटेम्प्ट कर लिया जो तुम्हें पक्का पक्का श्योर है तो वो तुमने साइड में रख दिया अब मेन बात आती है वही वन ट्वेंटी मार्क्स की तो उसको हम बाद में करेंगे तो एक्जैक्टली exactly कैसे अप्रोच करना है क्या क्या तुम्हें छोड़ना है क्या क्या अंडरलाइन करना है मैं बताती हूँ तो मेरे मार्क क्वेश्चन मार्क करने के दो तरीके थे एक था सर्कल एंड एक था अंडरलाइन तो सर्कल सर्कल में वो क्वेश्चन करती थी जो कि मैं छोड़ती थी एंड अंडरलाइन जो कि हल्के से डाउटफुल है या फिर मैं मैंने टिक तो कर दिया लेकिन है लेकिन मेरे को डाउट है या फिर एक बार उसको और सोच सकती हूँ अभी मैंने जल्दी जल्दी में टिक करा और सोचा जा सकता है कुछ कंसेप्चुअल है है ना ऐसे क्वेश्चन टिक करने के बाद भी मैं कभी कभी अंडरलाइन कर देती थी कि अगर थर्ड राउंड दैट इज रिविजन राउंड में टाइम बचा तो अंडरलाइन वाले क्वेश्चन ही देखने हैं एंड सर्कल्ड क्वेश्चन होते हैं जो तुम छोड़ रहे हो अब छोड़ने कौन कौन से क्वेश्चन हैं फिजिक्स में मैं वो क्वेश्चन छोड़ती थी जिनके ऑप्शन बहुत क्लोज है सबसे पहले फिजिक्स में ऑप्शन ही देखना चाहिए और यूनिट्स है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नीट 2024 में उन्होंने पूरी फिजिक्स यूनिट्स और क्लोजनेस ऑफ ऑप्शन पे ही खेला है लाइक क्वेश्चन मेरे को तो एक भी टफ नहीं लगा फिजिक्स का बस एक्यूरेसी चेक कर रहे थे वो तुम्हारी बस कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक्स ही तुम्हें मार सकती थी तो वही तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर कोई op, मतलब कभी कभी डेसिमल पॉइंट का भी ये फर्क होता है तो ऐसी चीजों की कैलकुलेशन थोड़ी शांत मन से करनी चाहिए जल्दी जल्दी में तुम नहीं कर सकते फर्स्ट राउंड में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पे दो मिनट से ज़्यादा नहीं अटकना अगर तुम्हें तो तुम अगर पहली ऑप्शंस देख के तुम्हें पता लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो तुम्हें टाइम लगेगा सॉल्व करने में ढंग ढंग से तो तुम वो क्वेश्चन छोड़ दो बाद में करो शांति से तो वो क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन छोड़ना है एंड केमिस्ट्री के लिए सेम है कुछ भी जो तुम्हें लग रहा है लेंदी है है ना फिजिकल uh, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का कोई मैकेनिज्म याद नहीं आ रहा जो चीज याद नहीं आ रही जो चीज लेंदी हो सकती है वो सब छोड़ दो फर्स्ट राउंड में ठीक है स्मार्ट चीज़ यही है पूरा पेपर खराब करने से यही अच्छा है जितने तुम ले सकते हो मार्क्स उतने ले लो फर्स्ट राउंड में बायो में जैसे अगर एम सी क्यू है एंड जो ऑप्शन है वो वन वर्ड या टू वर्ड है तो तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो है ना एक बार में तुम्हें चार ऑप्शन दिख जाएंगे तुम्हें पता है कौन सा ठीक है बट अगर कोई बहुत लंबा क्वेश्चन है तो एक बार अटेम्प्ट कर लो है ना चाहे टिक लगा लो उसे अंडरलाइन ज़रूर कर दिया करो बिकॉज <coughs> मेरे को ये काफ़ी लेट लेटिलाइज हुआ मैं क्या करती थी कि पहले मैं सोचती थी कि सारे क्वेश्चन तुम्हें पता है सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी हर क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पढ़ने लग जाती चाहे वो कितना भी लंबा है तो इससे मेरा एक दो बार पेपर छूटा हुआ है तो मैंने इसकी क्या क्रैटेजी डेवलप करी कि जो अगर कोई बहुत लंबा क्वेश्चन है तो सपोज मेरे को स्टार्टिंग में अपना आंसर मिल गया सपोज सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू तो मी तो वो मैंने टिक कर दिया बट स्टिल मैं उसे अंडरलाइन कर देती थी बिकॉज मैंने बाकी के दो तो नहीं पढ़े एंड क्या पता वो ठीक हो मतलब कभी कभी सोच रहे हैं मजबूर कर देते ऑप्शन कभी कभी ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाता है तो उसको अंडरलाइन कर दी तो बहुत बार मैंने अपना आंसर चेंज कर लास्ट में रिवाइज करते हुए तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें अंडरलाइन करने हैं है ना बायो में कोई याद नहीं आ रहा तो वो तुम छोड़ सकते हो कभी बाद में एकदम से स्ट्राइक कर जाता है जब तुम शांत मन से लास्ट में कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है स्टार्टिंग में तुम घबराए हुए होते हो थो थोड़े कि मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा लास्ट में तुम होता है कि ठीक है मैंने मेजोरिटी पेपर कर लिया अब देखते हैं कि जो मैंने छोड़ा है वो मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है तो ये था तुम्हारा फर्स्ट राउंड फिर आते हैं सेकेंड राउंड पे सेकेंड राउंड का मेन पर्पज है कि जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं वो कर लो बिकॉज अंडरलाइन वाले हैं कि जो तुमने टिक कर लिया तुम्हें डाउट है छोड़े क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं। तो सेकेंड राउंड में तुम्हें एक तो अपने बचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं है ना इसके तुम्हें अपने आप को ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स देना है सेकेंड राउंड के लिए इंक्लूडिंग ओएमआर और ओएमआर की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज कि तुम पेरीफ्री में डॉट्स लगाओ इससे मेरी ओएमआर कभी गलत हो ही नहीं सकती लाइक जब से मैंने स्ट्रैटेजी यूज किया मेरी आज तक ओ गलत नहीं हुई है तो तुम्हें एकदम लाइक जो बबल है उसके पेरीफ्री में एक डॉट लगाए जो कि सिर्फ तुम्हें दिखे क्योंकि तुमने क्वेश्चन छोड़े भी हुए हैं तुमने अंडरलाइन भी करे हुए हैं है ना तो तुम अपने ऑप्शन चेंज भी कर सकते हो एंड मैं सच बता रही हूँ मैंने नीट के दिन दो क्वेश्चन चेंज करे थे सात सौ नंबर होते वरना मेरे और रैंक में तो मेरी रैंक फिर दो सौ सत्तर से अप्रोक्सीमेटली कुछ हजार ग्यारह सौ होती इतना फर्क पड़ जाता है इसलिए तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है पेरे फ्री पे बबल लगाना है ठीक है तो इधर ओ एम के बारे में तो सेकेंड राउंड में तुम्हें बचे क्वेश्चन और ओ करनी है फिर थर्ड राउंड थर्ड राउंड ऑप्शनल है अगर टाइम बचे तो लाइक थर्ड राउंड के लिए अप्रोक्सीमेटली मान लो बीस से पच्चीस मिनट बचे तो फटाफट जो अंडरलाइन क्वेश्चन है वो तुम्हें करना सबसे पहले बायो के बिकॉज बायो जल्दी हो जाती है फिजिक्स में तो तुमने वो अंडरलाइन किया हुआ जिसकी तुम्हें कैलकुलेशन चेक करनी है या फिर हल्का सा डाउट है है ना प्लस फिजिक्स टाइम टेकिंग है बायो जल्दी हो जाती है तो बायो का बायो के अंडरलाइन क्वेश्चन सबसे पहले फिर टाइम बचे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे जाना लाइक like जो तुम्हें फाइनल बबलिंग है ना ओ की वो तुम्हें लाइक like, लाइक like, जब मेरे आकाश में पेपर होते थे तब तो मैं छः मिनट पहले करती थी क्योंकि एक्जैक्टली exactly मुझे पाँच मिनट लगते थे बबल्स भरने में बट नीट के दिन मैंने रिस्क नहीं लिया तो मैंने दस मिनट पहले बबल करना स्टार्ट कर दिया था मेरा पेपर दो मिनट पहले ख़त्म हुआ था मीन्स मुझे छः नहीं मुझे पाँच नहीं मुझे आठ मिनट लगे थे तो इसलिए थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है तो दस मिनट तुम्हें फाइनल बबलिंग के छोड़ने हैं तो बचे पंद्रह मिनट अब पंद्रह मिनट में तुम जितने अंडरलाइन क्वेश्चंस कर सकते हो तो कर लो एक्स्ट्रा टाइम बचे वो भी अच्छी बात है एंड एज़ यू गाइज नो कि इन मॉक टेस्ट में अच्छा करने के लिए एंड टेस्ट में स्कोर इंक्रीज करने के लिए पी वाई क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बट एज यू गाइज नो अभी सिर्फ टू एंड हाफ मंथ्स बचे हैं एंड पी वाई क्यूज बहुत ज़्यादा है है ना एंड पहले तो सिलेबस भी लगता लाइक ए आई पी एम टी होता था एन टी ए ने अभी रिसेंटली फाइव सिक्स ईयर से टेक ओवर किया है एंड इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अभी रिसेंट फाइव ईयर्स के पी वाई क्यूज बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करो एंड इसलिए मेमो नीट लाया तुम्हारे लिए ओनली एन टी ए पी वाई क्यू बुक्स जिसमें टू थाउजेंड नाइनटीन से टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक के सारे पेपर्स मिलेंगे तुम्हें इंक्लूडिंग द री नीट पेपर्स एंड इसका ये फायदा है कि हंड्रेड परसेंट करेंटली जो नीट का सिलेबस है प्रॉपरली उस पर बेस्ड है तो इसमें कोई भी तुम्हें इ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है एंड इसके जो सोल्यूशन है वो एकदम एररलेस हैं एंड properly सारे diagrams, flowcharts चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन हैं तो तुम्हें किसी और चीज़ को रेफर करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर तुम किसी क्वेश्चन पे अटक भी जाते हो एंड इसकी एक और अच्छी बात यह कि तुम्हें क्यू आर कोड भी मिल जाएगा साइड में जिसको स्कैन करके तुम वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो एंड तुम्हें पता ही है कि कितने ज्यादा पी वेक्यूज रिपीट होने के चांसेस होते हैं तो इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाले हैं दो महीनों में इसमें तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे ताकि अगर तुमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो जितना पढ़ाए उसके क्वेश्चन भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों सब्जेक्ट की बुक्स तुम्हें तो सिर्फ एट हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगी मतलब एक बुक इज़ अप्रोक्सीमेटली टू फिफ्टी रुपीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा चीप है जो यूजली मार्केट में जो अदर बुक्स हैं उनका प्राइस एक सब्जेक्ट का आठ सौ तो से ज्यादा होता है तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छी डील है एंड तुम तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो इसका लिंक तुम्हें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो तुम इनकी ऐप भी डाउनलोड करके देख सकते हो बिकॉज उसमें काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे जैसे बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीआर टी बेस्ड एग्जाम्पल्स फ्री में तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो एंड ऑल्सो मेमोनीड का एक लीड प्लान भी है जिसमें तुम्हें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस क्वेश्चन पी वाई की बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी तो वो सबकी डिटेल्स तुम्हें इनकी एप पर मिल जाएंगी सो so, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डू चेक इट आउट एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें हर पेपर में फॉलो करनी है दैट इज की वर्ड्स अंडरलाइन करना द सोल्यूशन जो तुम कहते हो कि हमारी बहुत सी मिस्टेक्स हो रही हैं बहुत सी मिस्टेक्स हो रही हैं उसका एक ही सोल्यूशन है कि तुम पेपर में हर चीज़ अंडरलाइन करो मेन मेन चीज़ अभी तो मैं अपना पेपर भी दिखाऊंगी उसमें तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ हर चीज़ में लाइक like लेफ्ट लिखा है नॉट इनकरेक्ट करेक्ट जो भी पूछा है एंड जो फाइनल चीज़ पूछे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सपोज कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो जो फाइनल चीज़ है ना तो वो साइड में लिख दा करो सपोज तुमसे वैल्यू ऑफ टू एक्स पूछिए है क्वेश्चन में तो लिख दो साइड में टू एक्स अब तुम जब कैलकुलेशन करो तो तुम निकालोगे तो एक्स तो एक्स भी ऑप्शन में हमेशा होगा एंड तुम ध्यान नहीं दोगे तो एक्स टिक कर दोगे लेकिन अगर तुमने टू एक्स क्वेश्चन के साइड में ही लिख दिया है तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हें टू एक्स बताएं तो तुम डबल करके ही सही आंसर बताओगे तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते तो यही सोल्यूशन तुम्हारी सीधी मिस्टेक्स का तो तुम्हें अपनी बेसिकली मार्किंग स्कीम सही रखनी है एंड थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए नीट का पेपर टफ नहीं होता ठीक है तुम्हें, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चेक करते हैं वो एंड एक्यूरेसी स्पीड टाइम मैनेजमेंट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेन खेल यही है कि तुम्हें आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं जो नहीं आता चलो ठीक है वो तो छूट ही गया या फिर कुछ तुक्का अगर तुम्हें एलिमिनेशन से दो ऑप्शन में तुम तुक्का लगा पा रहे हो तो भी सही है है ना बट आता क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है किसी भी हाल में खुद के लिए भी चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है है ना मतलब ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है तो अब ये चीजें तुम्हें मॉक टेस्ट तो ये सारा तुम्हें तभी आएगा अब तुम्हें जितना मेन मेन चीजें पढ़नी थी वो तुम पढ़ चुके हो बट नीट के दिन वो ना निकले तो उसका कोई फायदा नहीं है, है ना तो मेनली वही चीज हमें स्ट्रोंग करनी है तो जैसे तुम देख सकते हो ये है मेरा फिजिक्स का सेक्शन एंड मैंने यहाँ सर्कल लगा रखा है क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था एंड मुझे लाइक like, न्यूक्लियर वाला चैप्टर ढंग से नहीं आता था एंड तुम कैलकुलेशन भी देखो कि मैंने कितनी छोटी छोटी जगह कर रखा है या तो जस्ट ऊपर करा है या फिर मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है फिफ्टीन जैसे ये यहाँ कर रखा है है ना ट्वेल्व एट कि क्या क्या, क्या कहाँ सॉल्व करा है सिमिलरली ये अब ये लंबा क्वेश्चन होता है ना इसकी कैलकुलेशन हल्की सी लंबी होती है तो ये मैंने एंड के लिए छोड़ रखा था जब मेरे सॉल्व हो गया मैंने अपना सर्कल काट लिया ठीक है मैं ऐसे साइड में लिख देती थी पूछा क्या है बिकॉज हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कभी कभी हम सॉल्व तो कर देते हैं सब सॉल्व कर देते हैं लेकिन मेरे साथ तो बहुत बार ये हुआ कि मैंने लाइक like, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता था फिर मैं बाद में देखती कि गलत क्यों हुआ फिर मुझे पता चला कि क्यों पूछा ही कुछ और था और ये देखो इसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है तो ये एकदम आराम से सॉल्व करने वाली चीज है ये अंडरलाइन भी कर रखा था मैंने अब जैसे ये क्वेश्चन देखो इसमें सारे ऑप्शन कितने पास हैं है ना मिली में पूछा है बहुत बार यूनिट्स का भी खेल होता है हाँ मीटर मीटर वगैरह में आंसर मिलीमीटर मीटर में तो तभी ये ऑप्शन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिमिलरली ये देखो फाइव मीटर या फाइव सेंटीमीटर सिली मिस्टेक हो सकती है ना आराम से तो मेरे को पता मीटर में आंसर आएगा तो मैंने पहली सेंटीमीटर काट दिया था तो तुम्हें ऐसे करना है थी तो चलो केमिस्ट्री पे आते हैं केमिस्ट्री में भी सेम स्पिन ओनली लिखा है क्या लिखा है सेम लिखा है डिफरेंट लिखा है कि वर्ड्स अंडरलाइन और सर्कल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो तो मैं पहले ही काट देती थी ताकि एलिमिनेशन ईजी हो सॉल्यूशन ए है ना फिर ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में अंडरलाइन कर देती थी कि थोड़ा चेक हो सके नॉट ऐसे की को एलिमेंट नॉट माइनस टू ये सब अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन देखो ये मैंने लास्ट मोमेंट चेंज किया है मैं डॉट लगा चुकी थी ओएमआर में लेकिन ये मैंने चेंज करा था तो पहले ये देखो यहाँ पे लेफ़्ट लिखा है मैंने जो सॉल्व करा उससे आया कि कितना यूज हुआ बट इन्होंने पूछा कितना बच गया तो हमें माइनस करना था मैंने पहले 750 किया था बट वो थाउजेंड में से माइनस करना था तो आंसर 250 था तो देखो ऐसी ही सिली मिस्टेक हो जाती है ये मैंने बाय चांस बचा लिया क्योंकि ना मैं बताती हूं कैसे हुआ मैंने ना लेफ्ट पहले ही सर्कल कर दिया था जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी बट मैंने टिक लगा दिया होगा सात पे बट जैसे ही मैं नीचे जाने लगी मेरे को दिख गया कि फिर से लेफ्ट दिख गया फिर मैंने कहा ओ लेफ्ट पूछा है तो टू फिफ्टी मैंने तभी के तभी चेंज कर दिया तो ये इम्पोर्टेंस होती है ऐसे की वर्ड हाईलाइट करने की कि तुम्हें एक बार मिस हो जाए तो तुम्हें दूसरी बार देखने के चांसेज हैं फिर बायो आ जाओ बॉटनी बॉटनी मेरे को अच्छी लगी इस पेपर की लाइक like, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले थे तो मैंने सब कोई ऑलमोस्ट अंडरलाइन कर रखा था जबकि मैं सोच सोच के ही कर रही थी ऐसे लिख दिया करो साइड पे कि क्या है है ना ये क्वेश्चन भी मैंने एंड मूवमेंट ये तो मैंने लिटरली पंद्रह मिनट पहले चेंज किया था मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था यह बट फिर मेरे को आ गया यही रिविजन राउंड का फायदा होता है कि जो तुम्हें तो याद नहीं आ रहा ना वो आ जाता है मैंने पहले ही सर्कल कर रखा था बट फिर मेरे को लास्ट मोमेंट याद आ गया कि कैसे होता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे थे जो आए थे जो जो पूछा है वो अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही सिली मिस्टेक्स तो मैं बेसिकली नीट के दिन सिली मिस्टेक से बचना है है ना ये ये वाला तो शायद मेरा गलत ही हुआ था ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था बायो में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था दोनों पेरीगाइनस हैं लाइक ये ये काफी अच्छा क्वेश्चन था डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन मतलब अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली एंड सो आई थिंक दिस ऑल फॉर सारी जितनी मेरी स्ट्रैटीज थी मेन मेन मैंने डिस्कस कर दी हैं सो so, अभी तो मैं यही करना है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो अपनी स्ट्रेटेजी रिकग्नाइज करो इम्प्रूव करते जाओ टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू एंड टेस्ट एनालिसिस करते जाओ एंड यू विल डेफिनेटली इंक्रीज योर स्कोप ऑल द बेस्ट सी यू लेटर